हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम अटर क्लासेस। एंड गाइस, ये है आपका पार्ट टू आपके फ्लेमिंगो बुक एंड सीआरटी क्लास 12 का आपका जो चैप्टर टू है उसका पार्ट टू है। फर्स्ट स्टोरी में, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, राइट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टोरी, दैट इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। लास्ट स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर था वो था साहेब। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मुकेश। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के, इस वीडियो में हो जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेखक जो राइटर थे एनी सैम, उनकी मुलाकात हुई थी किस एक लड़के से जिसका नाम मुकेश था, ठीक है, जिसका सपना था कि वो मोटर मैकेनिक बने, और लेकिन वह कारों के बारे में कुछ नहीं जानता था, ठीक है। सो लड़के को भरोसा हो गया था, उसने जवाब दिया कि वो कार चलाना सीखेगा। उसको आता नहीं था तो उसने बोला, उसको भरोसा था वो कर लेगा, वो कार चलाना सीखेगा। और उसका जो सपना था वो रियलिटी से बहुत दूर था, क्योंकि वह उसके अंदर जो सोसाइटी का जो था दबाव था, प्रेशर था, किस तरह का, क्योंकि वो जिस जगह था उस रहता था उस जगह का नाम था फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद जो स्पेशल है, वहां पे जो लोग हैं वो कांच की चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। लेखक ने फील किया कि लड़के का जो सपना है वो रियल बनने के लिए, मतलब धीरे धीरे फिरोजाबाद की धूल भरी जो सड़कें है ना, उसका जो सपना है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो कहना चाहती थी, चूंकि फिरोजाबाद जो था उसका घर, मतलब उसके घर या उसके आस पड़ोस में सब लोग कांच के बिजनेस में थे, कांच की चूड़ियां बनाने में, तो इसलिए मुकेश का जो समय था बीतने के साथ क्या करेगा ये तो कोई नहीं जानता, ये तो टाइम ही बताएगा। क्योंकि मुकेश अभी क्या करना चाह रहा है ये तो सपने की बात है, आगे चल के क्या होगा वो तो देखा जाएगा आगे की बात है। वो बताती है कि कांच की जो राइटर है वो बताती है कि कांच का जो बिजनेस है वो फिरोजाबाद में, भारत में जो है, फिरोजाबाद भारत में बहुत फेमस है। और यहाँ के जितने भी परिवार है वो लोग भट्टियों में काम करते हैं, वेल्डिंग, वो ग्लास को वेल्ड करते हैं, और पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन यही काम में वो लोग बिजी है। और इतनी यहाँ पे चूड़ियां बनाई जाती हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी लेडीज के लिए यही चूड़ी बनता है। और मुकेश का फैमिली भी, मुकेश के फैमिली में जितने भी लोग थे वो लोग भी इसी बिजनेस, इसी ट्रेडिशन, ये जो बिजनेस था इसी में थे। और उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी, आपको याद रखना होगा, यहाँ उनको कानून की जानकारी नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि बच्चों को भट्टियों में काम कराना गैर कानूनी है। जो जगह था वहां पे क्या था, वेंटिलेशन तो था नहीं घर में, वेंटिलेशन होता नहीं था घर में, तो एकदम रूम गर्म होता था, एकदम अंधेरा रहता था रूम में। लेखक जो राइटर है वो बोलते हैं उनको लगा कि यह अगर कानून लागू हो जाता तो यह इनके लिए अमानवीय, अमानवीय जो स्थान है, मानवीय मैं बात करता हूँ, स्थानों से लगभग 20,000 बच्चों को बचा लेगा अगर उनके लिए कोई कानून लग गया। तो कहने का मतलब है जैसे वो अंधेरे रूम में काम करते थे, एक तो चाइल्ड लेबर हो गया, और लगातार वो काम करते थे तो उन पे आंखों पर, उनका बॉडी पे ये सब चीजों का प्रेशर पड़ता है। तो वो उन 20,000 जो बच्चे थे, समझ सकते हो 20,000 कम आंकड़ा है, उससे ज्यादा बच्चे होंगे, उन लोगों की जिंदगी बच जाती। फिर आगे देखिए क्या बोलती है, उन्हें वहां दिन के समय में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी उस अंधेरे कमरे में बंद कमरे में। और अक्सर क्या होता था, वो लोग अपनी रोशनियां खो देती थी आंखों के बच्चे, ठीक है। लेखक मुकेश जो था, लेखक को अपने घर ले जाने के लिए खुश था, उसे गर्व फील हो रहा था, प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि उसने उसे सोच, मतलब बताया, इन्फॉर्म किया कि उसके घर का जो है ना रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। और वे नीचे सड़क पर चले गए, और सड़क जो था कचरे भरे हुए थे, बदबू आ रहा था, और सड़क के दोनों बगल क्या था, झुग्गी झोपड़ियां थी, घर ऐसे खड़ा था जो कि एकदम लग रहा था कभी भी गिर जाएगा, दीवारें टूटी हुई थी, दरवाजे जो गेट थे वो सब एकदम टूटे हुए थे, सड़े हुए थे, पुराने तरीके से थे, खिड़कियां नहीं थी, और उन परिवारों से भरा हुआ था, सारे घर परिवारों से भरा हुआ था, जहां लोगों को, लोग जानवरों के साथ रहते थे, ठीक है, नॉर्मल था, जानवरों के साथ रहते थे। और उन्हें जो है मनुष्य, मतलब जो राइटर हैं, वो फील करती थी दैट ह्यूमंस एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिंसिपल स्टेट ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट। कहने का क्या मतलब है,
जानवरों की तरह रहते थे पहले के जैसे, एकदम हम लोग जैसे आदिमानव लोग रहते थे वैसे ही रहते थे, ठीक है, कहने का मतलब बता रही है वो। फिर मुकेश ऐसे ही किसी घर के सामने रुकता है, वहां का एक दरवाजे से जोर से दरवाजे पर धक्का मारता है और दरवाजा क्या होता है, खुल जाता है। मुकेश जिस घर में रहते थे उसका जो मोस्ट ऑफ रूम जो था वो झोपड़ी का था, झोपड़ी का निर्माण था, ठीक है। एक कोने में मरी हुई घास से बना एक जलाऊ चूल्हा था, मरी हुई मतलब एकदम पुआल जो होता है, हम लोग देहाती बोलते हैं पुआल, गांव के एरिया हम पुआल बोलते हैं, तो वही उसी का बना हुआ था। और एक कोने में क्या था, घास का क्या बना हुआ था, जलाऊ चूल्हा बना हुआ था लकड़ी का। उसके तरफ क्या था, उस पर क्या था, पालक के पत्तों वाला एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें पालक के पत्ते थे, ठीक है, साग बन रहा था, जमीन पे कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी, बर्तन रखा हुआ था। उसके बाद क्या था, अधिक प्लेटें थी, ज्यादा प्लेटें थी, और परिवार की एक के लिए शाम का भोजन जो था, शाम के लिए खाना बना रही थी कोई एक लेडी बना रही थी पतली सी, ठीक है। उसकी आंखें चूल्हे से निकले हुए धुएं से भरी हुई थी आंखों में, जब आप चूल्हे यूज करते हैं लकड़ी का तो धुएं निकलते हैं, धुएं आंखों में लगते हैं, राइट। और लेखक को देखकर वो मुस्कुरा रही थी, ठीक है। वह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, हालांकि वह मुकेश से बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन वह एक जिम्मेदार व्यक्ति थी, ठीक है, और परिवार की बहू के रूप में परिवार के सम्मान पाने के योग्य थी, क्योंकि सारा काम अपने हिसाब से वो कर रही थी परफेक्टली। उसके बाद क्या था, उसने तीन परिवारों की देखभाल की थी, उसके पति मुकेश एंड उसके पिता, मतलब मुकेश एंड उसके हस्बैंड के पिता, मतलब उनके ससुर, ठीक है। जैसे ही मुकेश के पिता ने घर में प्रवेश किया, बहू दीवार के पीछे छिप गई जो खाना बना रही थी, ठीक है, और उसने अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया। उसके बाद क्या हुआ, परिवार के बड़े पुरुष सदस्यों की उपस्थिति में बहू के लिए चेहरा छिपाना एक परंपरा थी, आज भी गांव में होता है, राइट, आज भी होता है। यहां का बुजुर्ग एक घटिया चूड़ी निर्माता था, जिस फैमिली की वो बात कर रहे हैं, मुकेश के पिता, उन्होंने जीवन भर मेहनत किया, पहले वो दर्जी थे, फिर वो चूड़ी के जो चूड़ी बनाने वाले बन गए, मतलब पहले वो दर्जी वाला काम करते थे फिर चूड़ी बनाने लगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपना घर नहीं बना पाए, ना ही अपने बेटों को स्कूल भेज पाए, उन्हें सिर्फ चूड़ी बनाने का हुनर सिखाने की कामयाबी हासिल की थी, बस चूड़ी बनाना सिखा पाए अपने बच्चों को। मुकेश की दादी ने अपने बेटे को यह कहते हुए सही ठहराया कि चूड़ियां बनाना नसीब हुआ, क्योंकि ये फैमिली का ट्रेडिशनल वर्क है। कांच की चूड़ियों को चमकाने से धूल के कारण, वो बताती हैं कि उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, मुकेश की दादी, ठीक है, मतलब मुकेश के फादर की माँ बता रही है। उसने कहा कि परिवार को भगवान से चूड़ी बनाने की कला मिली थी, इसलिए परंपरा को निभाना पड़ा। वे एक विशेष जाति में पैदा हुए थे जिन्हें चूड़ी बनाने के पेशे का पालन करना था। अपने पूरे जीवन उन्होंने सिर्फ एक कांच की चूड़ियां ही तो देखी थी, वे हर जगह थे, पिछवाड़े में, घर के आगे, घर के बगल, घर के इधर, सब जगह, गली कस्बों, सब जगह में क्या थे, चूड़ी बनाने वाले थे। सोने, नीले, हरे, गुलाबी, बैंगनी जैसे डिफरेंट टाइप के कलर के क्या थे, चूड़ियां थी, और इंद्रधनुष जैसा लग रहा था। इसके अलावा लेखक जो है वो बोलते हैं, जो राइटर है वो बोलते हैं कि उन्हें बिक्री के लिए ठेले में भर के ले जाया जाता था, फिरोजाबाद की सड़कों में पुलिस जो मैन थे वो लोग धक्का देके जाते थे। लेखक उस वातावरण जो वो वहां का पूरा एनवायरमेंट था उसका जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बोल रही हैं दैट जहां ये चूड़ियां निर्माण मतलब करते थे, काम बनाते थे, वे छोटे काले झोपड़े होते थे, बच्चे तेल की लैंप की एक पंक्ति के पास बैठ जाते थे जिनकी लपटें अस्थिर होती थी, मतलब फ्लक्चुएट करता था। वे अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के घेरे में शामिल करते थे, मतलब कांच के टुकड़ों से चूड़ियां बनाते थे, और अंधेरा काफी होता था जिससे आंखों पर इनफ लाइट नहीं मिलता था जिससे प्रेशर जो था आंख पे पड़ता था, और जैसे जैसे वो बड़े होते थे उनकी आंख की रोशनी खत्म हो जाती थी। तो ऐसे ही एक सविता नाम की जवान लड़की थी, उसने एक फीकी गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी, वह एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई थी, चूड़ियां बनाने के लिए कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। उसने हाथ मशीन के चिमटे की तरह, एक मशीन की तरह चल रहे थे, मतलब हाथ जो है चिमटे के साथ मशीन की तरह चल रहे थे चूड़ी बनाने का काम।
लेखक आश्चर्य हुआ, क्या सविता को पता है चूड़ियां पवित्र थी, चूड़ियां होली होते हैं, क्योंकि एक महिला अपने पत्नी के, मतलब एक लेडी तब पहनती है चूड़ियां जब वो शादीशुदा होती है, राइट, एक ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन है, जब लेडी शादीशुदा होती है तो चूड़ियां पहनती है। तो वो राइटर सोच रहे थे, एनएस यंग सोच रहे थे, क्या इस बच्ची को पता है इसका मतलब क्या है, चूड़ियों का मतलब क्या होता है। उसके बाद उसने सोचा कि सविता को एक ऐसा एहसास तब होगा जब वो दुल्हन बनेगी, इस चीज के बारे में तब पता होगा जब वो दुल्हन बनेगी। उसके बाद क्या है, उस दिन वो अपने सिर पर सिर्फ क्या लाल घूंघट ले लेगी, हाथ में मेहंदी होगा, कलाई पर लाल रंग की चूड़ियां होंगी। सविता के बगल में बैठी हुई महिला कई साल पहले दुल्हन बन गई थी, उसने अपने भी कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो ओल्ड लेडी जो सविता के साथ बैठी हुई थी। बुजुर्ग महिला ने शिकायत की कि उसने भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं खाया था। आगे देखिए, महिला कहना चाहती थी कि वो लोग इतने गरीब थे कि खाने का सामान तक नहीं हो पाता था एक टाइम का खाना। उसके बाद यही वो लाभ था जो उसने चूड़ी बनाने के पेशे को अपना कर प्राप्त किया, मतलब एक टाइम का खाना तक वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे चूड़ी बनाने के काम के कारण भी। महिला के पति की बड़ी दाढ़ी है, महिला बोलती है उनके हस्बैंड की बड़ी दाढ़ी है, कहता है कि उसे चूड़ी बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता है, वो सब जो वह पूरा करने में सक्षम है वो अपने परिवार को रहने के लिए घर बनाने के लिए है, मतलब वो बस क्या कर पाया, एक घर बना पाया और कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, ये था। उसके बाद देखिए क्या है, लेखक को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि शायद उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ हासिल तो किया जिसे कई अन्य लोग हासिल नहीं कर पाए, राइट, जैसे मुकेश के फैमिली के बताती है, दादी बताती है कि वो लोग घर नहीं बना पाए, वैसे ही वो बोल रही है कि उसने कुछ तो हासिल किया, घर तो बना पाया जो बहुत लोग नहीं बना पाए थे, राइट, कम से कम अपने घर अपने परिवार के लिए एक अस्थायी जगह तो हो गया। यह समस्या उन सभी घरों की प्रचलित थी जो इस पैसे को चला रहे थे, इस पैसे में काम कर रहे थे, या उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं देता था, इनफ भी नहीं देता था, और लेकिन पारंपरिक पैसे में, मतलब जो काम था, ट्रेडिशन था, प्रवेश करने वाले युवक की भी यही शिकायत थी, उनके पास भी तो यही शिकायत था ना, नई जनरेशन का, कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमें कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, हम लोग ज्यादा कमा नहीं पा रहे थे, उनका भी नई जनरेशन का भी क्या था, शिकायत था। गुजरते समय के साथ उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था, जैसे कि कई अनगिनत अनकाउंटेबल सालों से वो क्या कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था और करने का बस सब और या सपने देखने की क्षमता भी नहीं थी, क्या क्या दूसरा काम करें, एक ही काम तो आता है, फैमिली ने तो एक ही काम किया और दूसरा क्या कर सकते हैं पुरुषों ने। लेकिन लेखक बताती हैं कि एक ऑफिशियल, एक सहकारी, मतलब एक वो क्या बोलती हैं कि वो एक राय देती हैं, एक राय देती हैं कि बुजुर्गों को चंगुल से छूटने के लिए नौजवानों को एक समूह से बात की जिन्होंने अपने बुजुर्गों को फंसाया था, मतलब आप यहाँ पे समझ लो ब्रोकर, ब्रोकर या व्यापारी, वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग तो ये चाहते हैं कि उनको कम दाम में सब कुछ मिल जाए, जैसे वो लोग उनके माता पिता को फंसाया उन्होंने ब्रोकर ने या सेलर लोगों ने, वैसे ही चाहते थे ये जवान लोग भी इसी चीज के चंगुल में फंसे रहे, मतलब वो लोग ये काम करते रहे, हमें लेस कम दामों में चूड़ियां मिलते रहे जिन्हें हम अपने मनमाने रेट पे बेचते रहे, ये वो लोग चाहते थे, क्योंकि सेलर्स का ही काम होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं उनका यही काम होता है, राइट। तो मैन ने कहा उनके पास कुछ और करने की हिम्मत नहीं है, तो अगर वो लोग कुछ करेंगे एक्स्ट्रा करेंगे तो उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा और पुलिस उन्हें पीटेंगे, जेल में डाल देंगे, उनके कामों को गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। लेखक को लगा जैसे उनके पास और कोई नेता भी तो नहीं है, वे चीजों को अलग तरीके से करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, वे सभी बहुत थक गए थे, मतलब मैन, यंग मैन और उनके माता पिता, अगर वो लोग कुछ एक्स्ट्रा करते तो उन्हें पुलिस मारती, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, गरीबों के पास सपोर्ट नहीं होता है, अभी भी रियलिटी है ये, ठीक है। आगे देखिए, मैन जितने भी यंग मैन थे, यंग पीपल थे, यंग मैन थे, उन्होंने शिकायत की थी, उनकी स्थिति के कारण, उनकी समस्याओं के, मतलब उनका पास ना ऐसा कंडीशन था कि उनको सोचने के लिए वक्त नहीं था, वो लोग क्या करें, इसने उन्हें लालची बना दिया था, क्योंकि लालची क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास कोई उनको कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा था,
को उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा था, अगर वो लोग कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे, ग्रोथ करना चाहते थे, उनको उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये सब चीजों ने उन्हें क्या बना दिया, ग्रीडी बना दिया था, राइट। देखिए क्या होता है, लालची, इसने उन्हें लालची बना दिया और न्याय करने का कारण बना। लेखक जो है वो अपना एक इमेजिनेशन, दो अलग अलग लेखक के माइंड में अब दो अलग अलग इमेजिनेशन चलने लगा। एक ऐसा परिवार जो गरीबी में फंसे हुए थे, जिनके वो जिस जाति में पैदा हुए, जिसमें उन्हें पारंपरिक ट्रेडिशनल जॉब करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल काम करना पड़ेगा, दूसरी दुनिया साहूकारों की, साहूकार मतलब ब्रोकर्स, ब्रोकर्स की दुनिया, जिसमें क्या है, ब्रोकर्स हैं, सेलर्स हैं, बायर्स हैं, और क्या हो गया, पुलिसकर्मी हैं, कानून के रखवाले ऑफिशियल्स हैं, सरकारी अधिकारी मतलब, और पॉलिटिशियंस हैं, जो ये जो चक, मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल ऑफ लाइफ जो है, ये खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं ये लोग गरीब हैं तो गरीब ही रहे, हम लोग अमीर हैं तो अमीर ही रहे। ये एक सर्कल जो है, एक दुनिया गरीबों का, एक दुनिया बेईमानों का, अन्यायियों का, जो गलत काम कर रहे हैं। दो, तो उन लोगों ने गलत कर करके इन्हें भी ग्रीडी, वो लोग ग्रीडी थे, इन्हें भी परेशान करना चालू कर दिया, करते हैं, करते रहे, अभी भी होता है, समझ में आया। और ये चक्र चलता रहा, उन्हें कुछ और किया तो इसका मतलब है उन्हें दुनिया को चुनौती दे रहे हैं, अगर वो लोग कुछ और करेंगे इसके अलावा तो मतलब चैलेंज कर रहे हैं, और चैलेंज अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम के खिलाफ अगेंस्ट जाना, और अगर वह सिस्टम के खिलाफ अगेंस्ट जाएंगे तो उनको मारा पीटा जाएगा। लेखक को यह जानकर खुशी हुई कि मुकेश में वो आग था जो सबका खत्म हो गया था। लेखक को थोड़ा खुशी मिला कि चलो मुकेश में कुछ तो है, वो कुछ तो करना चाहता है। उसने दोहराया, मुकेश ने फिर दोहराया क्या, कि वो एक मैकेनिक बनेगा, वह एक गैरेज में जाकर नौकरी सीखेगा। लेखक ने पूछा, चूंकि गैरेज उसके पास से कुछ दूरी पर था, इसलिए मुकेश ने जोर देकर कहा वह उनके पास जाएगा, वहां काम सीखेगा। उसने उससे पूछा कि वह उड़ने वाले विमानों का सपना देख रही हैं। उसने उससे पूछा, मतलब किससे, राइटर से पूछा, क्या वो सपना देख रही है, किसका, हवाई जहाज का। लड़का चुप हो गया, मतलब लड़के से राइटर पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो। तो लड़का चुप हो गया, उसने मना कर दिया, नहीं मुझे हवाई जहाज नहीं चलाना है, मुझे मोटर कार ही चलाना है। क्यों, देखिए वह उनके बारे में नहीं जानता था, क्योंकि वह विमानों के बारे में नहीं जानता था, वह फिरोजाबाद के ऊपर से हवाई जहाज एरोप्लेन बहुत कम ही उड़ा करती थी, जैसा कि उन्हें केवल फिरोजाबाद में कारों को घूमते हुए देखा था, उसका सपना वहीं तक सीमित था। लेकिन उसका सपना तो था, वो चूड़ी मेकर नहीं बनना चाहता था, वो कार मैकेनिक बनना चाहता था, वो कार मैकेनिक बनना चाहता था, उसका सपना था, ठीक है। अब देखिए आपके कुछ सवाल से हैं, आपके सवाल जवाब करते हैं, अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है साहेब से रिलेटेड है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया, वो क्या ढूंढ रहा है और वो अभी कहां है। साहेब इज लुकिंग फॉर प्रीसियस थिंग्स विच ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय, मतलब कीमती चीजें ढूंढ रहा है जो वो नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जैसे क्या हुआ, पैसे हो गए ढूंढ रहा है, या सिल्वर कॉइन्स हो रहा है, जूते के जोड़े ढूंढ रहा है, राइट। और वो कहां से आया था, ही हैज कम टू द गार्बेज डंप इन द राइटर्स नेबरहुड, वो सीमापुरी दिल्ली, जो कि गार्बेज कचरा, समझ में, कचरों के ढेर में वो क्या आया था, ढूंढने आया था। और ही लिव्स इन सीमापुरी, राइट। और वो कहां से आया था, ढाका से आया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, याद आया, शर्म, शर्म को बचाने के लिए। द ऑथर सेज दैट दे डू नॉट वियर फुटवियर बिकॉज इट इज अ ट्रेडिशन इन देयर फैमिलीज टू रिमेन बेयरफुट, गरीबी को छिपाने के लिए। अगला देखिए, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, साहेब खुश नहीं था टी स्टॉल पे काम करने के लिए, क्योंकि साहेब इज हैप्पी कि उसे काम मिला, ही विल गेट 800 एवरी मंथ एंड हिज मील्स टू, लेकिन उसकी खुशी, उसका जो बचपना था वो छिन गया। तो एक तरह से खुश भी था, एक तरह से नहीं भी था। अगला देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, राइट, ग्लास ब्लोइंग, चूड़ी बनाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, पीपल हु वर्क इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री लूज देयर आई साइट, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। हाउ इज मुकेश
attitude to his situation different from that of his family. मुकेश का सिचुएशन उसके फैमिली से डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है? मुकेश सपने देखने का उसका डेयर करता है, वो सपने देखता है. कैसे सपने? कि वह इन सब चीजों से अलग करेगा. वो क्या करेगा? वो चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. और ऑन द अदर हैंड उसके फैमिली क्या है, वो ये सब तरह का सपना नहीं देख सकते हैं. वो बस अपने फैमिली जो ट्रेडिशन है, क्या ग्लास ब्लोइंग जो उनका इंडस्ट्री है, बस उसी में काम करना चाहते हैं. दे आर टू टायर्ड, वो लोग बहुत थके हुए हैं और वो लोग डरे हुए हैं, अगर कुछ करेंगे तो सरकार के जो लोग हैं, ऑफिशियल लोग जो हैं, उनको परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे. सो दे आर टू टायर्ड एंड स्केयर्ड टू डू समथिंग टू कम आउट ऑफ देयर ग्रीम सिचुएशन. ठीक है, अब अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. और जो आपका तीन क्वेश्चन है इसके बारे में कर लेते हैं. What could be some of the reason of the migration of people from village to cities? ये कॉमन सा है, क्यों लोग गांव से सिटी में माइग्रेट कर जाते हैं. आपको आंसर मैंने लिख दिया है, आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके सारे आंसर आपको लिखना है. ठीक है, आप समझ गए, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, उसके साथ पढ़े हुए तो आपको समझ में आ जाएगा. अगला क्वेश्चन देखिए. Would you agree that promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happened in the incidents narrated in the text? क्यों? कहने का मतलब है कि जब बच्चों को प्रॉमिस किया जाता है तो क्या इसको रखा जाता है? रेयरली कैप्ट. प्रॉमिस जो किया जाता है, क्या इसको रखा भी जाता है, इसको पूरा भी किया जाता है? और इस स्टोरी में क्या मतलब है? Why do you think that this happens in the incident narrated in the text? इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आराम से लिखिए, आराम से समझ सकते हैं पढ़ने के बाद. उसके बाद देखिए, what forces conspire to keep the worker in the bengal industry of Firozabad in poverty? कौन सी ताकतें हैं जो लोगों को, यंग लोगों को, पुराने लोगों को, बच्चों को सिर्फ बंगाल इंडस्ट्री में रहने के लिए जोर दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं? तो आप बोल सकते हो कि मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर पॉवर्टी बंगाल मेकर्स, राइट? तो स्ट्राइकन क्या है? स्ट्राइकन है मतलब दे आर बर्डन बाय द फैक्ट दैट पार्टिकुलर कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जो कि बंगाल मेकर्स हैं, they have to continue the traditional profession. Further, the society has formed a harsh circle around them. Like a circle, जो societies हैं, उन्होंने एक harsh circle बना दिया है कि तुमको यही करना है. और उसमें क्या होगा? Keepers हैं, lenders हैं, middlemen हैं, police law है, officials हैं, officers हैं, politicians हैं, ये लोग जबरदस्ती जोर दे रहे हैं. All together form a barrier, एक दीवार खड़ा कर दिया उनके सामने, around them, चारों बगल, and tie them in a grip of poverty, गरीबी के जाल में, चंगुल में उन्हें फंसा दिया है. and from these things they cannot escape, वो लोग अब इन सब चीजों से अब बाहर नहीं भाग सकते हैं. so guys, ये था आपका साहिब आलम का स्टोरी का क्वेश्चन आंसर, आपका मुकेश का स्टोरी का क्वेश्चन आंसर, एंड आपका लेसन का. मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया, जहां जहां आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं अब पॉज करो, आपको नोट्स बुक में लिखना है, आपको वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन जितने भी हैं उनको भी समझ लेना है, मैंने हिंदी भी लिख दिया है उसका. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पता है ना समझ में आ गया तो क्या करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. ठीक है, एग्जाम के टाइम में ज्यादा जल्दी होगा समझने में. सो मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर.